हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम। मैं श्याम चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूं 5 ऐसे गैजेट जो अंडर 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे अमेजोन पर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला गैजेट। दोस्तों, ये गैजेट एक प्लग है जिसमें आप एक साथ 5 कोई भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लगा सकते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक साथ सपोर्ट करेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट गैजेट। नेक्स्ट गैजेट दोस्तों, ये एक यूएसबी हब है जिसमें आप एक साथ 4 यूएसबी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कार में भी काम आएगा, आपके 4 मोबाइल को एक साथ चार्ज करने के लिए, और आपके लैपटॉप में भी काम आएगा 4 यूएसबी, कोई भी 4 यूएसबी या मोबाइल एक साथ यूज़ करने के लिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आइए चलते हैं नेक्स्ट गैजेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट गैजेट दोस्तों एक LED रफ LED प्लेट है जो कि आप जिस पर पेंटिंग भी बना सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं, मतलब अपना कोई भी ऐसे मतलब टाइम पास के लिए ही है, लेकिन आप इसे फिर भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये इसकी कीमत 450 यानी कि 450 के लगभग मिल जाएगा, अंडर 500 मिल ही जाएगा आपको। दोस्तों, नेक्स्ट गैजेट है हमारा यूएसबी। नेक्स्ट गैजेट है हमारा ये दोस्तों एक हेडफोन जैक है जिसके अंदर आप एक साथ 4 हेडफोन जैक लगा सकते हैं। ये आपके मोबाइल में लगेगा और इससे आप एक ही मोबाइल में 4 हेडफोन एक साथ लगा सकते हैं, और ये है 299 रुपीज़ का। दोस्तों, ये मतलब मुझे काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगी, मुझे काफ़ी पसंद आई, और मुझे लगता है ये काम की चीज़ है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये अमेज़न पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट गैजेट दोस्तों, ये एक लैंप है, ये एक सोलर लैंप है जिसे आप चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका कभी चार्ज खत्म हो जाए या फिर घर में लाइट ना हो तो आप इसे धूप में रखकर इसके जो ऊपर जो सोलर पैनल लगा है आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, मेरे हिसाब से तो यूज़फुल है। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, ये 5 गैजेट कैसे लगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।